2011 के झोपड़ों के संरक्षण की भाजपा नगर सेविका ने उड़ाई धज्जियां। भाजपा नगर सेविका ने उजड़वाया दर्जनों आशियाना। अवैध स्कूल को मैदान देने के लिए भाजपा द्वारा तोड़क कार्रवाई। जहां एक तरफ भाजपा सरकार 2011 तक के झोपड़ों को संरक्षण की बात कर रही है, वहीं भाजपा नगर सेविका ने इस फरमान की धज्जियां उड़ाते हुए दर्जनों लोगों के घर को अपने शिकायत पत्र के जरिए तोड़वा दिया। वे लोग अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मुंबई के गोरेगांव आरे कॉलोनी यूनिट नंबर 32 संतोष नगर वार्ड क्रमांक 52 में बने स्कूल को शिक्षा विभाग ने अवैध और गैर मान्यता प्राप्त बता रही है। उसी स्कूल को मैदान मिल सके इस कोशिश में भाजपा नगर सेविका प्रीति साटम ने आदिवासियों के वर्षों पुराने बसाए घर को उजाड़ दिए। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के चक्कर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 घरों को कलेक्टर पर दबाव डालकर भाजपा नगर सेविका ने नेस्तनाबूद करवा दिया। मामला गोरेगांव संतोष नगर यूनिट 32 का है, जहां करीब सैकड़ों झोपड़े आदिवासी गणेश नाइक की जगह पर बने हुए हैं, जिसको आदिवासी गणेश नाइक ने लोगों को मकान बनाकर रहने के लिए दिया हुआ है। गणेश नाइक का पुराना दस्तावेज भी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 712 है, जिस पर गणेश राव नाइक का नाम दर्ज हुआ है। लेकिन उसके बाद भी स्थानीय नगर सेविका प्रीति साटम ने मनपा कलेक्टर को तोड़क कार्रवाई के लिए पत्र देकर तोड़वा दिया है। मैडम, आपके यहाँ एक तोड़क कार्रवाई हुई है थोड़े दिन पहले गोरेगांव में। हाँ, किधर? उमसेद पाड़ा गोरेगांव पूर्व। क्या? उमसेद पाड़ा गोरेगांव पूर्व में। हाँ, अच्छा, हाँ, कौन सा स्कूल है ना जिसको आपने लेटर दिया था? एक मिनट, आपका ही लेटर मैं पढ़ रहा हूँ। अनिश्चित बात का हम कार्रवाई करना है बाबा। हाँ, ठीक है। तो उस मामले में जो थोड़ा कार्रवाई हुई है, आदित्य अकेडमी स्कूल के बाजू में संतोष नगर गोरेगांव पूर्व। हाँ हाँ, बोलिए ना। बराबर, वो जो रूम तोड़े गए हैं तो कैसे तोड़े गए हैं, जबकि वो 712 में वो गणेश पवार के डैडी का नाम है सब चीजें, तो कैसे तोड़क कार्रवाई हुई? अभी ये फोन पे ही बोलना है मुझे। सॉरी, हाँ बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, बाइट भी देंगे तो कोई दिक्कत ना, बाइट भी ले सकते हैं, और फोन पे बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं फोन पे बोलते ना, आपने मुझे फोन पे पूछा तो मैं फोन पे बोलती हूँ। बोलिए ना। वहाँ पे क्या है, आदित्य अकेडमी स्कूल आपने बोला ना, तो सामने हाँ। एक अभी रिसेंटली घर बांधा था उन्होंने, पत्रे हाँ। का हाँ। हाँ। तो उसमें ना सरस गंजे का धंधा होता है हाँ। एक औरत जो है वहाँ पे आके बेचती है हाँ। वो घर पे अभी जस्ट रिसेंटली बांधा था हाँ। तो मैंने पुलिस स्टेशन वगैरह सब को ये लेटर दिया था कि यहाँ पे चरस गंजे का धंधा हो रहा है करके, तो यहाँ पे कि इनका बंदोबस्त करो, क्योंकि यहाँ पे स्कूल है, गरीब बच्चे लोग आते हैं जी। अपने किसी अभी तो आपको मालूम है कि कितने अत्याचार हो रहे हैं, मतलब सुगंध का वो सब बराबर। हाँ, एक किसी लड़की बड़की को कोई लेके गया, क्या हो गया, तो कैसे मालूम पड़ेगा ना बराबर। तो और सब जो मतलब कुछ भी होगा तो वो सब मेरे पे आने वाला है, नगर सेवक करके। हाँ, हाँ। तो इसके लिए फिर मैंने बीएमसी को भी बोला था कि यहाँ पे चरस गंजे का धंधा हो रहा है करके, तो फिर बाद में समझा कि ये कलेक्टर लैंड है, तो मैंने ये कलेक्टर को भी बोला कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा देखो। तो फिर उसके बाद में जो भी किया है वो कलेक्टर ने किया है, कलेक्टर ने ही सर्वे किया वहाँ पे। और वहाँ पे कोई तो एक माफिया बोलते हैं उसको, मतलब मुझे नहीं, नाम नहीं मालूम था, लेकिन कलेक्टर ने ही बोला मुझे। वहाँ पे एक माफिया है, वो अपना जगह बोल के वो सबको घर घर बना बना के 10-10 लाख ले रहे हैं। हाँ, देखिए उन्होंने ही बताया सब सर्वे करके। अभी ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि 712 पे नाम गणेश पवार का है, मतलब गणेश नायक, तो प्रॉपर्टी गणेश नायक की हो गई। सुनिए, ये अभी कल की बात है, गोपाल सेट्टी साहब ने मुझे ही बताया, मैं आपको मैं खबर भेजता हूँ, कल ही मैंने खबर लगाया था कि जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी में, अगर बीएमसी की ही प्रॉपर्टी रहने दो, अगर 712 का नाम उस व्यक्ति का है,
दो प्रॉपर्टी 50% का हकदार उस प्रॉपर्टी ओनर हो जाता है। तो गणेश पवार अगर अपने अपनी जगह में आदिवासी का उसके पास कार्ड है, आप देखिए वहाँ पे कलेक्टर का नोटिस पढ़िए और आपको मालूम पड़ेगा कि लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला है कि वो जगह उनका नहीं है, दिनसा जो है उसका है और प्रॉपर्टी कार्ड में भी उसका ही नाम है। आजकल प्रॉपर्टी कार्ड चलता है, 7-12 का जो लेटेस्ट है उसका नाम ही नहीं है। और वो समझो वो 7-12 लास्ट मतलब पुराना होगा तो उसको सिर्फ खेती करने का अलाव है, लेकिन वो उसकी जगह ही नहीं है, वो सब जगह दिनसा की है। वो कलेक्टर वालों ने लिखा के दिया है, वो मुझे भी मालूम नहीं था। अगर एक कॉपी आपके पास हो मुझे भेजिएगा। और दूसरी बात, अगर कोई वहाँ चरस गांजा बेचता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे एरिया के रूम को तोड़वा दिया जाए। पुलिस क्यों बैठी है? पुलिस उससे कार्रवाई करेगी, पुलिस उसको पकड़ के केस करेगी। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, वो कलेक्टर ने कार्रवाई की है तो आप उनसे पूछिए। अभी आपका जो लेटर है उस पर लिखा हुआ अनधिकृत बात काम कार्रवाई करना है बाबा, मतलब जो सीधा तोड़क कार्रवाई के लिए आपने अपने लेटर दिया है। नहीं नहीं देखिए, वो चरस गांजा का एक रूम था ना, जो उन्होंने जब एक रूम के लिए आपने एक एप्लीकेशन दिया था तो बीएमसी आ रहे कलेक्टर ने इतने जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ, तो जो एक रूम है वहाँ पे जो चरस घंटा का धंधा होता था वो पटरे का रूम था, इसके लिए मैंने उनको बोल दिया। जी ऐसे ही कोई उसके रोड पे या जगह पे घर नहीं बना सकता आजकल ना। जी जी बिल्कुल। और वहाँ पे ऐसा धंधा गंदे तरीके से धंधा करेंगे स्कूल के सामने, बराबर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसका रहेगा? जी तो वो बोलेंगे कि आपको मालूम है, आप जैसे ही पत्रकार आएंगे और मेरे पास बोलेंगे कि आपको तो सब मालूम था, आपने कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? बराबर। तो मतलब मेरा तो सैंडविच हो जाता है ना फिर, तो इसके लिए थोड़ा मुझे सतर्क रहना पड़ा। और मैंने वो एक ही रूम के बारे में बोला था जहाँ पे चरस गांजा का धंधा होता है। तो बात बराबर, चलिए आपने आपको पब्लिक को पूछ रहे हैं। मैं समझ गया। चलो आपने एक रूम के लिए बोला था, लेकिन जब थोड़ा कार्रवाई हो रही थी तो बाकी रूम क्यों तोड़ा गया? तो इसके लिए आप क्यों नहीं आगे आई? क्योंकि आप नगर सेविका है, आप पब्लिक को पूछे ना, मैंने बचाया। अरे लेकिन आपने बचाया पब्लिक को, तो ये भी बोला उनका बर्तन उठा के लेके जा रहा है, उनका सामान उठा के लेके जा रहा, बोला साफ कर दो नहीं तो मैदान चाहिए। और स्कूल वाली जो मैडम है सीधे तौर पे बोलती कि मैंने बोला है कि मुझे यहाँ खाली चाहिए, मुझे मैदान चाहिए, बच्चे मेरे प्रेयर करेंगे। तो मैंने पूछा ऐसा होता है क्या तुम्हारे कहने से स्कूल? और मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी होगी, जो जिस स्कूल का जिक्र हो रहा है आदित्य अकेडमी, उसको खुद ना नहीं तो कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं तो कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे है, वो खुद इल्लीगल है, तो उसको क्यों नहीं तोड़ा है आपने? और आरटीआई की कॉपी मैं आपको भेजता हूँ, मेरे पास आरटीआई की कॉपी है, वो इल्लीगल है। अच्छा, मैं आज खबर लगा रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि वो इल्लीगल है, मेरे पास आरटीआई की कॉपी है। अभी मैं बीएमसी में जाता हूँ, शिक्षा डिपार्टमेंट को पूछता हूँ कि जब इतनी तोड़क कार्रवाई है तो बाजू वाले स्कूल को क्यों नहीं तोड़ा गया? चरस गांजा बेच रहा है एक, इसका प्रमाण क्या है? अच्छा जी, तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें आप संज्ञान में लीजिए और देखिए कि एक रूम के आपने तो बोला था तो बाकी रूम क्यों तोड़ा गया? और वो आदिवासी गलत है तो आदिवासी का सर्टिफिकेट गलत है, 7-12 सारी चीजें गलत है, गलत है तो लोग इतने साल से रह रहे, उनका पुरावा कैसे गलत हो सकता? मतलब पेपर झूठ बोल रहा है वो? आप क्या कीजिए, कलेक्टर ने आप कलेक्टर से पूछे ना? वो तो अरे आपने एप्लीकेशन दिया ना कलेक्टर को? मैंने एक रूम का दिया था, मैं आपको फिर से मैं बोल रही हूँ, आपने एक रूम का दिया था तो बाकी का कैसे टूट गया? उसके लिए लड़ाई आप लड़ेंगे ना, आपके आप उनके प्रतिनिधि है ना, आप उनके प्रतिनिधि है। आपकी सरकार बोल रही है 2011 तक सबको मैं घर दूंगी। नहीं आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे से? मतलब मैडम मैं ये बोल रहा हूँ आपकी सरकार, अभी कुछ दिन पहले आशीष सलार साहब आए थे, वहाँ कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के दौरान यही बताया गया था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ है जिसमें बीजेपी सरकार बाकी लोगों को घर देने की बात कर रही है, सबको जो पात्र पात्र सबको घर दिया जाएगा। 70 रूम तोड़ने वाले थे, मैंने ही रुकाया था। जी जी मैडम मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस रूम के लिए आपने बोला था, बाकी का रूम जो तोड़ा गया उसके लिए आपसे बीएमसी से लड़ाई कीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कलेक्टर को आप बोलिए कि जब मैंने एक रूम के लिए बोला था आपने इतना रूम क्यों तोड़ दिया? ये बाकी लोगों को मैं कहाँ लेके जाऊँ? अभी पूछिए, आप पूछिए, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि है। ओके, बराबर ना, जवाबदारी यही बनती है ना। अगर यहाँ के आमदार बीजेपी के होते तो जाहिर सी बात है मैं उनको भी यही पूछता। फिलहाल अभी विधानसभा चल रही है तो मैं आमदार से बात भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें बात करता था कि सर ये देखो थोड़ा से, क्योंकि गरीब बेचारे किसके पास जाएंगे? आपके पास जाएंगे या तो विधायक साहब के पास जाएंगे?
आपको मालूम नहीं है, वो पीछे वाला मांडवा मैं ही बचाती हूँ, आपको मालूम नहीं है। मैडम ये सब चीजें आप बताएंगी, मुझे कोई बताता लोगों का घर नहीं, नहीं पाँच छह लोगों का घर मैंने ही बचा है, आप पूछो किसको भी जाके। हम लोग को बीजेपी को आदत नहीं है ये सब घर भी तोड़ने की, लेकिन जहाँ पे गंदे तरीके से हरकतें होती है ना, वहाँ पे हम लोग बोलते नहीं नहीं उसके लिए पुलिस बैठी, मैंने उससे कार्रवाई करवाई है, उनको अरेस्ट करवाई है, उनको अंदर करवाई है, लेकिन घर तोड़ने से सोल्यूशन ये नहीं है कि गांजा बेचता तो घर तोड़ करवाएगा, फोन अंदर करवाएगा उनको। अरे वो तो मेरा गाड़ी भी तोड़ के गए, बीएमसी का काम करती हूँ, मेरा बैनर उठा के लेके गए, ऐसा थोड़ी होता है, मैं लोक प्रतिनिधि हूँ ना। नहीं नहीं अगर ऐसा होता है तो गलत है, उसके लिए तो मैं भी निषेध करता हूँ कि ये सब चीजें गलत है। मेरा गाड़ी फोड़ के मेरे को मेरे पर हमला बिमला करते हैं वो जो माफिया है वो, फिर मैं कहाँ पे जाऊँ बोलिए आप। अगर आपने अगर वो माफिया है अगर हमला करते हैं तो आपने कंप्लेन करना चाहिए ना पुलिस स्टेशन में आपकी, ना सब कंप्लेन वगैरह ठीक ठीक। अगर अगर आपने कंप्लेन किया तो मैं व्हाट्सअप करता हूँ, मुझे आपकी कंप्लेन कॉपी दीजिए, मैं वो भी चीजें मेंशन करूंगा कि आपकी मजबूरी के चलते आपने ऐसा करवाया। मजबूरी का नहीं है जी, तो जो भी है वो कलेक्ट करने करके दिया है, उन्होंने सर्वे किया था और वो जो माफिया है उन्होंने ही पेपर वहाँ पे कलेक्टर में सबमिट किया था, मेरे पास किधर आए पेपर उनके। मतलब गणेश नाइक जो है वो माफिया है, मुझे मालूम नहीं कौन माफिया है वो। वही वही वो गणेश नाइक का ही नाम है ना पेपर 7/12 पे जो नाम है गणेश नाइक का नाम है, तो मतलब वो माफिया है। मुझे कलेक्टर ने बोला वो माफिया है, उधर एक और वही रूम बनाता है 10-10 लाख लेता है। चलिए ठीक है, मैं बात मैं बीएमसी से भी बात करता हूँ, लेकिन वो स्कूल के बारे में देखिए मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल इलीगल है, स्ट्रक्चर वहाँ है ही नहीं है, और आरटीआई की कॉपी भी मैं आपको भेज देता हूँ, देख लिए देखिए और वो कीजिए। टूट गया छोटा छोटा बच्चा, हम लेके कहाँ जाएंगे, बहुत साल से रहा स्कूल वाले ने मेरा घर द्वार सब तोड़वा दिया, बताओ हम क्या करेंगे, हमको पैसे भी नहीं तो कहाँ से लाऊंगे। सर मुझे ये झोपड़ा में हम लोग का घर तोड़ा गया है, नगर सेवक के माध्यम से स्कूल वाले को फायदा दिलाने के लिए ऐसा करके तोड़ा गया है, यहाँ पे मैदान चाहिए स्कूल वाले को। साल से यहाँ रहते हो वो बताओ। सर मैं तो 90 अपना बोले गए दाद वो गणेश नाइक जिसकी पेपर उनका उनका ही लड़का हूँ मैं, गणेश नाइक का ही लड़का हूँ। बोलिए ये ये क्या टूटा है, कैसे टूटा है ये? सर स्कूल वाले और नगर सेवक के लोग चलते ही लोग ने सब तोड़ा गया। सर आप कौन है? मैं ये जगह का मालिक का लड़का हूँ। जिसका नाम 7/12 में है उसके आप कौन है? मैं उनका लड़का हूँ। अच्छा तो कितने साल से ये प्रॉपर्टी ये हमारा ये 1970 तक का ये पेपर है हम लोग का जी, और तब से मतलब बाप दादा सब इधर ही रहते थे सब जी, जब पत्रे का रूम था सभी कच्चा रूम था, तभी लाइट बीट कुछ नहीं था जी, और तब से हम लोग यहाँ के ही रहने वाले। जब आपकी प्रॉपर्टी आपका रूम है यहाँ पे, तो आपने बीएमसी से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया कि ये चीजें नहीं हो सकती? गए थे मैडम के साथ पास हम लोग, तो बोलते कुछ मत करो, बोलते हम लोग बोलते सब सॉल्व कर देंगे ऐसा वैसा करके, लेकिन कुछ हुआ नहीं, आगे तोड़ा के चले गए। लेकिन भाजपा सरकार बोल रही 2011 तक सबको पात्र करके घर दिया जाएगा, तो ये घर क्यों तोड़वा जाओ? वो बीजेपी के नगर सेविका का है। हाँ बीजेपी के नगर सेविका है। स्कूल वाले को सब फायदा वो स्कूल वाले को फायदा दिलाने के लिए सब ऐसा कर रहे, स्कूल वाला बोलता है मेरे को मैदान चाहिए। बोला की आदिवासी की जगह टूटेगा नहीं, अभी मैं क्या करूं, छोटे छोटे बच्चा लेके मैं पड़ी हूँ, अभी हम जब इन लोग है जो मालिक को नहीं बोलते हैं, इन लोग का कुछ है ही नहीं है, सब इन लोग का है, स्कूल वाले नगर सेवक का, तो भगा दिया हम लोग। अच्छा कब से आप रहती हैं? अरे इधर तो हम लोग जब से साथ में हैं, हम लोग कभी से रहते कभी से, जब से बसा तब से इधर रहते थे। हम लोग का खाना पीना आराम हो गया है। बोलती है कि क्लटर की जगह है, नगर सेवका बोलती है क्लटर की जगह है, बाकी तो आदिवासी तो हम लोग का तो रूम तोड़ा गया। तो कैसे तोड़ा गया कुछ बताया? अभी स्कूल वाले कंप्लेन है, नगर सेवका कंप्लेन है, प्रतिशतम का अभी उसमें है सब सब निकाल के पेपर वर्क है, आप देख लीजिए।